नंदगांव भिवानी हरियाणा में आयोजित जनसभा में सहभागिता की गई है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं। ये सामाजिक राजनीतिक तौर पर तो निगुण है ही है, इसमें कोई शब्द नहीं। इतने पढ़े लिखे नेता बीएससी एमए एलएलबी एमबीए और डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी पीएचडी, ये उपाधि इनके पास है। ये संयोग है कि ऐसा ऐसे नेताओं के हाथ में हमारा देश का भविष्य है, तो इसमें कोई शक नहीं। आने वाले समय में हमारा भारत और एक बहुत ही बड़ी ऊंचाइयों को छुएगा। मैं पुनः यहाँ सभी पधारे माननीय सांसद जी, अध्यक्ष जी, मतदान जी, योगी, दूसरे हमारे शीर्ष नेता है, गांवों से आए सरपंच, हमारे छोटे से फ्लावर बॉय जो हमें इतनी संख्या में यहाँ आए, मैं सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आप सब से एक अपील करूंगा, भारत माता की एक बार जो विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में लेकर के आए हैं, दोनों हाथ उठाकर अपनी मुट्ठी बंद करके और जयकारे के साथ इनको आश्वस्त करो कि जो लक्ष्य जो हमसे आशा करके वो आए हैं उस पर हम सब प्रतिशत खरा उतरेंगे। लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से ही हम प्रार्थना करेंगे
देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए कितने शुभ हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार। नमस्कार, मैं अरुण तोमर, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। खबरें विस्तार से। नंदगांव भिवानी हरियाणा में आयोजित जनसभा में सहभागिता करने पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर यादव, देख रहे तस्वीर। जिनके माता पिता को जेल में रखा गया और एक दो तीन चार पांच छह बच्चे को कंस ने जेल में मार दिया, कोई अंदाज लगा सकते हो? नो माँ जिस बच्चे को पेट में मां रखे और पैदा होते ही अपने हाथ में लेकर के कंस दीवार से उसका सिर फोड़ देता है, उनकी हत्या कर देता है, उनके माँ बाप पे क्या बीतती होगी? वो कष्ट की कल्पना करो। नवजात बच्चे को तो हवा लग जाए तो माँ बाप को नींद नहीं आती, लेकिन वो कठिन दौर में जब छह बच्चों को सामने मरते देखते हुए सातवें बच्चे को बड़ी मुश्किल से बचाए, तो आठवें बच्चे के पैदा होते के टाइम नंद बाबा और यशोदा माँ वो तो अपने गांव में हैं, लेकिन वसुदेव देवकी के दोनों दोस्त हैं, नंद बाबा और दोनों की दोस्ती है। आप अंदाज लगा लो, नंद बाबा तो अपने घर में हैं, लेकिन अपनी पैदा हुई बच्ची को, अपने दोस्त के बच्चे को बचाने के लिए नंद बाबा और यशोदा माँ ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। कभी कल्पना करो कि अपने बच्चे को मरने के लिए दे और दूसरे के बच्चों को पाले, ये कोई कर सकता है? वो नंद बाबा ही कर सकते हैं। हमारे लिए उनका आज का ये नाम, ये गांव का, ये उस समय का अपना उनका किया गया योगदान कभी भूल नहीं सकते। नंद बाबा ने अपनी बेटी को दिया और देने के लेने के बीच में से कृष्ण भगवान को पाल पोस के ऐसा बड़ा किया, ऐसी लाड़ दुलार किए कि हर माँ का सपना होता है कि वो यशोदा की तरह रहे। ये है नंद बाबा और यशोदा का प्रेम, ये हमारी संस्कृति है। और दुर्भाग्य के साथ आज चुनाव में जब हम आए आपकी इस गांव में, इस विधानसभा के अंदर जो पार्टी के लोग सामने से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग तो धर्म को मानते ही नहीं। वो कहते हैं कि ये क्या होता हिंदू, क्या होता मुसलमान, क्या होता है भगवान राम, क्या होता कृष्ण, ये कम्युनिस्टों की सोच। उनकी अपनी सीमा के दायरे में देश भी कुछ नहीं होता है। उनकी अपने दायरे में अगर आप सही अर्थ में देखो तो कम्युनिस्ट की विचारधारा हमेशा देश विरोधी विचारधारा के साथ जुड़ती दिखाई देती है, और इसी कारण से हमारे देश से तो कोई भी राज्य ऐसा नहीं बचा है जहां कोई कम्युनिस्ट की सरकार हो। एक सरकार थी बंगाल, और उस बंगाल के अंदर भी क्या हालत कर दी, सबसे छिपानी अभी चौधरी धर्मवीर सिंह जी ने सही कहा है, कम्युनिस्ट जहां भी आते हैं वहां उनकी दुनिया अलग चलती है। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है, हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जोरदार अभिनंदन करो भारतीय जनता पार्टी के नाते से, जिसके कारण से कदम कदम पे हम अगर चित्र लगाते हैं तो भारत माता के हाथ में हम सब भगवा ध्वज लेकर के आनंद के साथ उनको प्रणाम करते। ये संस्कृति हमारी संस्कृति है। हम अपने बच्चों को इस देश की सीमाओं पे कुर्बान करके उसका प्रतीक चिन्ह बना करके आने वाली फिर पीढ़ी तैयार करने का संकल्प लेते हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये राम और कृष्ण की संस्कृति है, हमें इस बात का गर्व है। आज दुनिया के अंदर अलग अलग 200 से ज्यादा देश है, हर एक कोई देश अपनी अपनी अधिसत्ता बनाना चाहता है, वो किसी न किसी पे आक्रमण करना चाहता है। दुनिया के अंदर एकमात्र देश ऐसा भारत है जो सबको लेके चलना चाहता, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, जो सबके भले की कामना करता है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, पूरी दुनिया में एक परिवार की तरह लेके चलता है। इसलिए नरेंद्र मोदी अमेरिका जाए, रशिया जाए, यूक्रेन जाए, सारे देश उठकर के नमस्कार करते, जोरदार अभिनंदन करो, ये नरेंद्र मोदी जी का वर्तमान का काम है और ये उनके काम करने की शैली है। आज हमें इस बात का गर्व है जब हम अपनी भारतीय जनता पार्टी की नेता की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं,
दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, हरियाणा की धरती अपने खून से पूरे दुनिया में पहचान कराने वाली धरती, भगवान कृष्ण के काल से, कृष्ण भगवान के प्रपोत्र ब्रजभान के नाम से इस राज्य को जाना दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। पहले चौटाला की सरकार और किसी की सरकार, इन सरकारों के माध्यम से इस हरियाणा की जो प्रगति होना थी वो प्रगति लगातार रुकती गई, लगातार रुकी गई। अरे हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो किसानों को सम्मान मिला। पहली बार या तो सीमा पे जवान या खेत में काम करने वाला किसान, दोनों को सम्मान देने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमें इस बात का गर्व है। किसान सम्मान निधि पहली बार कितनी सरकार गई और कितनी गई आप बताओ। किसान सम्मान निधि पहले किसी को मिली क्या? किसी को मिली? पहली बार दी, पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन पहली बार सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। बहन बेटी के लिए पैदा होते ही 21,000 का पहले ही पैदा होने के साथ उसके बैंक में खाते में जमा करके बेटी की इज्जत बढ़ाने का काम, लाडली बेटी योजना, कितने प्रकार की योजना गिनो। लंबी बात कह दूंगा, कहने को जाऊंगा तो, लेकिन आज तो समय इस बात का है कि कम समय में कम शब्दों में अपनी बात करूं, लेकिन मुझे इस बात के लिए बताया गया है कि इसी हरियाणा की धरती पर जब जब भी कांग्रेस और उसके विरोधी लोग आए इसके कारण से, या लूटो खसोटो मर्जिया जो करो, आपस में लड़ाओ और उनका लाभ उठाओ, इसलिए वो और उनके नेता ये जो जिनके साथ राजीनामा करके सामने आए ये पूरे देश में भी लज्जित करते हैं और देश के बाहर भी लज्जित करते हैं। आप अंदाज लगा लो इस बात का कि इनकी सरकार बनी तो कुछ उल्लेखनीय काम तो करके बताते। इस बात का हमको आनंद होना चाहिए। वीरों की धरती पे जवाबदारी से बोलना चाहूंगा, जब कांग्रेस की सरकार थी तो सीमा पर पाकिस्तान के लोग आते थे, हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाते थे, दुर्भाग्य से वो फुटबॉल खेलते, फुटबॉल। अरे हमारे बच्चों को हम पाल पोस के बड़ा करते, इस देश की सरकार के भरोसे से सेना में भर्ती करते, लेकिन अपमान कराने के लिए। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस के लोग पाकिस्तान से बदला नहीं लेते थे। ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जमाना है। अब करके देखे कोई, एक बार नहीं दो दो बार पाकिस्तान के घर में घुस के उसकी अकल ठिकाने का काम किसी ने किया है तो माने नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ये सरकार चाहिए और इस पार्टी के हम गर्व के साथ कह सकते हम उसके सिपाही हैं। आप बताओ, ये हमारे अपने बीच में बैठा हूं, चार चार यादव बंधुओं को मंत्री बना करके पहली बार अगर मौका किसी ने दिया है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी जी, जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का। राव इंद्रजीत सिंह, भूपेंद्र यादव जी, नित्यानंद राय जी, अन्नपूर्णा देवी जी, और मुझे अपनी पार्टी का चरित्र है, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये बोलने से नहीं आता है, करके दिखाना पड़ता है। और एक गरीब वाले चाय वाले परिवार से जन्म लेकर के हमारे प्रधानमंत्री तीन तीन बार प्रधानमंत्री बनते, जोरदार अभिनंदन को। ये गरीब लोगों की इज्जत करने का काम अगर कोई पार्टी करती है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। गरीब किसान के परिवार से अगर मुख्यमंत्री बनाती है तो मुझे गर्व है मेरे जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना करके पार्टी ने लोकतंत्र का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। आज के इस अवसर पर चूंकि आपके बीच में आया हूं, कहने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन आज जब यहां बात कर रहा हूं तो आपके बीच में से इतनी सारी बातें आई। हमारे प्रत्याशी जी आ गए क्या? जोरदार अभिनंदन करो सराब जी के लिए। आइए सराब जी, वाह, बहुत बहुत अभिनंदन, गांव में लग रहे थे। जोरदार ताली बजाओ सराब जी के लिए। अभी यहाँ पिछली बार किए गए कामों के बारे में वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन भविष्य में जब यहाँ पर जब हमारी सरकार तीसरी बार बनेगी तो यहाँ भिवानी में सफेद झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए एक्का पार्क उत्कृष्ट बनाएंगे। अभिनंदन करो इस संकल्प के लिए, गरीब लोगों के रोजगार देने के लिए। भिवानी जिले में
शक्ति पुलिस थाने का विस्तार करते हुए पिंक पीसीआर वैन की संख्या दोगुनी करेंगे। शिक्षण संस्थानों को सीसीटीवी कैमरे लगा करके उनका कवरेज बढ़ाएंगे ताकि कोई भी घटना हो तो निगाह में रखेंगे। पूरे प्रदेश में 10 अति आधुनिक शहर बनाएंगे और 50,000 युवाओं को रोजगार देंगे। जोरदार अभिनंदन बनाओ, ये हमारी भाजपा की सरकार है जो खर्ची और पर्ची दोनों से हट करके जो योग्य लोग हैं उनको नौकरी देती है। ये है भारतीय जनता पार्टी जो करके दिखाती है। ऐसे एक नहीं कई सारी बातें हैं, हॉस्पिटल की सुविधा हो, 24 फसलों की एमएसपी की अलग अलग प्रकार से खरीद जारी रखेंगे, 2,00,000 युवाओं को रोजगार देंगे, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 5,00,000 नए मकान उपलब्ध कराएंगे, अलग से ओलंपिक खेलों की नर्सरी बनाएंगे, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 10,000 एकड़ का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क भी बना के बताएंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी। हर जिले में एक विश्वकर्मा महाविद्यालय स्थापित करेंगे जो श्री विश्वकर्मा कौशल महाविद्यालय के माध्यम से जो बच्चा एडमिशन लेगा, एक भी बच्चा केवल कागज की डिग्री नहीं लेगा, या तो वो स्वयं का काम करेगा या उसको नौकरी मिलेगी। ये संकल्प भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक नहीं ऐसी बहुत सारी बात है। सभी हॉस्पिटल अच्छा करेंगे। अभी 7 जिले बचे हैं जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है, हर एक जगह पे मेडिकल कॉलेज भी बनाएंगे। मुझे कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं, और लेकिन आया हूं तो आपको निमंत्रण भी दे रहा हूं। अभी तो हरियाणा की बात की है, आपका पड़ोस का भाई, ये हरियाणा का एक और भाई मध्य प्रदेश भी है, वहां आने का भी निमंत्रण देता हूं आप सबको, वहां भी आइए। भगवान कृष्ण ने वही शिक्षा ग्रहण की है, 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, चारों वेद, इन सबका अध्ययन करके जीते जी जो मनुष्य से भगवान रूप में आ गए, वो श्री कृष्ण की धरती जो शिष्य के रूप में जीते जी जगत गुरु के नाते से पूजे गए, वो धरती का स्थान मध्य प्रदेश है। हमारी सरकार ने तय किया है, भगवान कृष्ण ने जा जा लीलाएं किए, प्रत्येक स्थान को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करेंगे, ये हमने वहां संकल्प लिया है। प्रत्येक जगह पर जहां जहां पशुपालन होता है, पशुपालन को प्रोत्साहन देकर के दूध उत्पादन भी बढ़ाएंगे। जैसा आप हरियाणा में अपने उन्नति प्रगति के अवसर ढूंढ रहे हो, मैं भी आपके साथ जुड़ करके अब नंदगांव में आकर के, अग्रवाल जी आपके साथ आपका ये भाई और मिल गया, कहीं बिछड़ा हुआ था पुराने जमाने में, भाजपा को धन्यवाद दो, आने वाले समय में यहाँ के विकास के लिए आपकी आवाज से आवाज मिलाने के लिए सांसद जी और विधायक जी के साथ मैं भी तैयार रहूंगा। तो आप और सबसे निवेदन करता हूँ, एक एक व्यक्ति जो जहां से मेरी बात सुन रहा है, मेरी बात से सहमत होगा तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए और खड़े होकर संकल्प करे, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके, एक एक वोट जब तक भाजपा के पक्ष में नहीं डल जाए तब तक हमको शांति से नहीं बैठना है। हम सब तैयार है तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।